वहां पे भी नहीं है, घर पे भी देखा है, वापस नहीं पहुंची तो कहीं तो कहां गई वो लोग? पता नहीं अम्मा, उनका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, पता नहीं कहां जा सकते। झूठ बोला है तुझसे, उस आदमी ने झूठ बोला है। तुझे भी वापस नहीं आना था, दरवाजे पे खड़ा रहता, कहता कि मिलके जाऊंगा मैं। उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया था, क्या करता और? हाशिम, तुझे उनके घर में कोई शोर या हंगामा लगा? सन्नाटा था वहां पे। अम्मी बताए ना, साहिल ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है। आपको उसे बाबा के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। उनके साथ तो भाई की हालत और खराब हो जाती है। प्यार से बात जो नहीं करते उसे, आदत ही नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, चली जाऊंगी वापस। तुम दोनों की भी तो फिक्र थी मुझे। हमारी फिक्र मत करें, हम दोनों रूम में ही हैं। और वो जिनको बंद करके रखा हुआ है, उनका क्या होगा? तो क्यों रखा है उन्हें बंद करके? ब्लैकमेल कर रहे हैं वो लोग हमें, और आपने घर में ही रख लिया उन्हें। मैं तो कहती हूँ उठे चले मेरे साथ, आग लगा दे उस कमरे को, मर जाए तीनों। हफ्सा चुप करो और अपने मशवरे अपने पास रखो। नहीं, तुमने समझ से रिश्ता तोड़कर इतनी बड़ी बेवकूफी की है। और उसको देखो, मुसलसल हमारे साथ हॉस्पिटल में है। वो जहां मैं साहिल के लिए दुआ कर रही हूँ, वहां मैं तुम दोनों के लिए भी दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह तुम्हारा रिश्ता बच जाए। लेकिन अम्मी, बस चुप और जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। मुझे पता है मुझे क्या करना है, जाओ। क्या करूं, क्या सच बता दूं अम्मा को? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे पता है बगैर ही घर चलेगी नादिया आंटी, अब पता नहीं क्या करेंगी सेवा के साथ। इतनी अकल आ जाए उन्हें कि छोड़ दो उन लोगों को, और अगर ना छोड़ा तो। सांस लगी, सांस पी।